वहीं विजयदशमी और नवरात्रि के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है। आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए पूरी नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल से आने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि सोनौली सीमा को भारत नेपाल के बीच सबसे संवेदनशील सीमा समझा जाता है, इसलिए सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएसबी जवान लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी जगह पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, जहाँ भी पूर्व के विवाद है उनका समाधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट लगाई गई है, पेट्रोलिंग की जा रही है, सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए निगरानी की जा रही है, साथ में संयुक्त गश्त भी की जा रही है एसएसबी के साथ में। दशहरा पर जो भी रावण दहन के कार्यक्रम जहाँ जहाँ आयोजित होने हैं वहाँ पर डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट बना लिया गया है और उसके मुताबिक ड्यूटी डिप्लॉय की जा रही है और LIU को निर्देशित कर दिया है कि जहाँ से भी इनपुट मिले तुरंत हमें अवगत कराया और उस पर पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई की जाए।